तो गाइस फाइनली फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल की डेट ऑफिशियली अनाउंस हो गई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 27 सितंबर को ये जो है सेल स्टार्ट हो जाएगी सबके लिए, तो ठीक वैसे ही हमारे पास डेट निकल कर आई है 27 सितंबर को ये सेल जो है सबके लिए स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ प्लस मेंबर्स के लिए 26 तारीख को ये सेल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। एक दिन पहले का अर्ली एक्सेस मिलता है प्लस मेंबर्स को, और पहले दिन 26 सितंबर को ही आपको सबसे ज्यादा प्राइस डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि प्लस मेंबरशिप कैसे ली जाती है, तो प्लस मेंबरशिप आप परचेज नहीं कर सकते हो। इसके साथ आपके पास एक और मौका होता है अर्ली एक्सेस का, जो कि सुपर कॉइंस के थ्रू खरीदी जाती है। काफी जल्दी यहाँ पर अर्ली एक्सेस वगैरह भी आ जाएगा, तब आप उसको परचेज कर पाओगे। इसके साथ साथ और भी काफी सारी चीजें हमें यहाँ पर पता चली है। उससे पहले मैं आपको अमेजोन की भी डेट दिखा देता हूँ। अमेजोन ने अभी तक यहाँ पर कोई भी डेट अनाउंस नहीं की। अमेजोन हमेशा जो है वो फ्लिपकार्ट के एक दिन बाद ही डेट को उतारता है। जैसे फ्लिपकार्ट अपनी डेट को अनाउंस करता है, उसके बाद ही अमेजोन के ऊपर अनाउंसमेंट होती है। लेकिन ये दोनों ही डेट जो है वो एकदम सेम रहने वाली है। मतलब अमेजोन की क्रिएट इंडिया फेस्टिवल सेल भी 26 तारीख को प्राइम मेंबर्स के लिए मिलेगी, इसके साथ साथ 27 तारीख को सबके लिए सेल जो है वो लाइव हो जाएगी। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो स्टार्ट 24 आवर्स अर्ली फॉर प्राइम मेंबर्स। इसके अलावा कार्ड डिस्काउंट्स वगैरह की बात करें तो HDFC के कार्ड्स के ऊपर आपको यहाँ पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड दोनों ही मेंशन है। डेबिट कार्ड के ऊपर कम डिस्काउंट आएगा, क्रेडिट कार्ड के ऊपर ज्यादा डिस्काउंट आएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताया तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का यहाँ से पोस्टर हटा दिया गया है, लेकिन अंदर की तरफ आपको अभी भी फ्लिपकार्ट एक्सिस का पोस्टर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलते ही मिलते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो 5% का यहाँ पे अनलिमिटेड आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे कार्ड के ऊपर ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो के डिटेल में बात कर चुका हूँ। अब बात करते हैं बाकी डील्स की। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आईफोन्स के ऊपर जो है वो ऑलरेडी ये अनाउंस कर चुके हैं, आईफोन 15, 15 प्लस, 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स। इसके अलावा किसी भी आईफोन के ऊपर अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की गई। इनकी प्राइसिंग भी ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो के अंदर आपको डिस्कस कर चुका हूँ, चैनल पर जाकर आप वो भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। सैमसंग के भी इसी तरह से आपको कुछ ही फ्लैगशिप फोन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि 23 सितंबर को आईफोन्स की जो प्राइसिंग है वो रिवील होनी शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ साथ अब हमें लॉक पास भी यहाँ पर मिलने शुरू हो चुके हैं। नीचे की तरफ जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लोएस्ट प्राइस लॉक का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि 16 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप लॉक पास खरीद सकते हो पर्टिकुलर डील्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मोटो एच 50 फ्यूजन खरीदना है तो आपको 999 रुपीज का ये टोकन खरीदना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो भी प्राइस आएगा इस फोन का वो आपके लिए लॉक हो जाएगा और आप उसको परचेज कर पाओगे। और मैं आपको पहले ही बताया तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ एक्सप्लोर द लॉक्ड आइटम एट द लोएस्ट प्राइस। इसके नीचे आप देख सकते हो चूज योर प्रोडक्ट एंड पे नॉन रिफंडेबल टोकन अमाउंट। मतलब ये अमाउंट जो है रिफंडेबल नहीं होगा। अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं भी खरीदते तब भी आपको ये वाला अमाउंट जो है वो पे करना ही पड़ जाएगा। और जब भी सेल स्टार्ट होगी उसके 48 आवर्स के अंदर आपको इस लॉक पास को यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल आपको इस पेज के ऊपर दिख जाएगा जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपको ये वाले लॉक पास वगैरह देखने को मिल रहे हैं। काफी जल्दी यहाँ पे एप्पल वॉच सीरीज 9 के ऊपर भी ये लॉक पास आने वाला है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ आईपैड्स के ऊपर भी हमें ये वाला लॉक पास जो है वो देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे आईपैड के ऊपर भी लॉक पास आ रहा था, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है, जिसकी कीमत आपको 19,000 के नीचे ही पड़ेगी, जो कि इस पोस्टर के थ्रू हमें समझ आ रहा है। ऑल्दो अब ये पोस्टर को यहाँ से हटा दिया गया है, बट ये कंफर्म रहेगा जैसे ये लॉक पास जो है वो खुल जाएंगे 16 सितंबर को, तो आपको ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ये लॉक पासेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी पर्टिकुलरली आईफोन्स की बात करते तो अमेजोन ने भी कुछ खास यहाँ पे रिवील अभी तक नहीं किया। सिर्फ आईफोन 13 का ही टीजर यहाँ पे लॉन्च किया गया था, उसके अलावा किसी और आईफोन की अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की गई। खासकर जो लोग इंतजार कर रहे हैं आईफोन 14, 14 प्लस का, उसकी अनाउंसमेंट अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं हुई। बट फाइनली हमारे पास यहाँ पे डेट जो है वो निकल कर आ चुकी है, तो बाकी सारे डील्स के भी टीजर ये जल्दी जल्दी रिवील करते रहेंगे। तो जैसी कोई न्यूज आती है किसी आईफोन के ऊपर ये लॉक पासेस से रिलेटेड, सबसे पहले वीडियो आपको यूट्यूब नेटवर्क पर मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख दो, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। बाकी कोई भी अगर आपके डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी किसी अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।